सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर, मैं राहुल पांडे। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और बिग बॉस के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। महज 40 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ दी है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक मौत से एक दिन पहले रात में उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली थी। कूपर अस्पताल से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला जाने माने अभिनेता थे, बिग बॉस के विनर जो है वो भी रह चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने अपना परचम लहराया था। सिद्धार्थ शुक्ला जो है ये काफ़ी युवा अभिनेता माने जाते थे। महज 40 साल की उम्र में उनकी निधन हो गई है। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया है। मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ ने अंतिम सांस ली। अस्पताल की ओर से उनकी मौत की पुष्टि की गई है। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयाँ खाई थी, लेकिन उसके बाद वह उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी माँ और दो बहनों को छोड़कर गए हैं। ऊपर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्रीज में शोक में है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। सीरियल बालिका वधु से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। बिग बॉस 13 से मिली सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ उनका कनेक्शन सोशल मीडिया पर छाया रहा। हाल ही में सिद्धार्थ और शहनाज की कई म्यूजिक वीडियो आई थी जिन्हें यूथ ने काफ़ी पसंद किया। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में वह बाबुल का आंगन छूटे नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधु सीरियल से बनी थी जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया। साल 2014 में आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में वह दिखाई दिए। इसी साल 2021 में उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज आई थी जिसने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। टीवी इंडस्ट्री की ओर से सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया गया है। अभिनेत्री सना खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, ये हैरान करने वाला है। पहले मुझे इस खबर पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कंफर्म हुआ तो वह हैरान है। अभिनेत्री मनमोहन दत्त ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।